फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ये आपके प्राइज के लिए. क्या नाम है सर आपका? राजीव शर्मा. कहाँ से सर आप? अमृतसर. अमृतसर काफ़ी दूर से आए. पहले तो कैसा लगा हमारा शहर? बहुत अच्छा सर. ग्रेट. और थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताइए. सर ये टॉय कल्चर है और अभी 8 महीने की है और फर्स्ट मेरा इसमें है, फर्स्ट बेबी है मेरा ये. बेसिकली मैं शिज्जू में ही काम करता हूँ. शिज्जू का मेन. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गर्मियों में ये ब्रीड को रखना या शिज्जू को रखना बहुत टेढ़ी खीर है. आप कहाँ तक सहमत हो उसमें? थोड़ा सा क्लाइमेट चाहिए. ठीक है जी. ठंडेपन में चाहिए. वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रख सकते. नॉर्मल अपने घर में रखिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पे. ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा छाँव पंखा चल रहा है. नॉर्मल रहते हैं. डेली वन टाइम ग्रूमिंग मांगते हैं. जब हेयर फॉल हो तब कितना बड़ा चैलेंज होता है? आप डेली का ग्रूमिंग करते हो, हेयर फॉल की चैलेंज आता ही नहीं. जिसने ग्रूमिंग नहीं करनी उसको हेयर फॉल का चैलेंज आना. किसी भी ब्रीड में हो, लैब्रा ले लीजिए, जिसके डेली 5 मिनट आप डॉग को दे रहे हो कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी. हेयर फॉल पूरे घर में नहीं मिलेगा. और जिसने करना ही हफ्ते बाद है तो पूरे घर में वाली बाल है. ये बात सच्ची है. क्योंकि व्यूअर्स होप आप माइंड मत करना, क्योंकि आप अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं मेरे डॉग के बालों की गांठें बन गई. वो गांठें इतनी आसानी से या एक दिन में नहीं बन जाती माई फ्रेंड. तो आपको सर ने जो कहा वो बात को ध्यान रखना, रोज़ ग्रूमिंग करनी पड़ेगी. बाकी रही बात सर, अगर आजकल जैसे कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, तो कोई ब्रीडिंग में आना चाहता है और आप स्मॉल ब्रीड से स्टार्ट करने के लिए कहोगे या कहोगे कि ये लाइन अच्छी है ब्रीडिंग या नॉट? स्मॉल ब्रीड से. लेकिन ब्रीडिंग लाइन एक अच्छी स्कोप है फ्यूचर में. मैं खुद रिलायंस से जॉब छोड़ के आया हूँ. कहाँ से सर? रिलायंस से. मैं रिलायंस में जॉब करता रहा इससे पहले. वाइफ मेरी घर पे डॉग्स का काम देखती थी, तो मैंने वो छोड़ा. वाइफ ने कहा आप जरूरत नहीं है जॉब की, घर पे आओ, जो हमारा काम है ये बहुत अच्छा. तो मैं अच्छा स्टॉक बिजनेस में. ये काम आपकी वाइफ का था? हाँ. और आपने फिर इसको अडॉप्ट प्रॉपर अपना कह लो कि कंटिन्यूस कर लिया. रिलायंस में क्यों जॉब छोड़ा? वहाँ क्या? इसीलिए सर कि घर मैं दिल्ली जॉब करता था. अच्छा, दूर रहना फिर? दूर रहना. अमृतसर घर है तो महीने में एक दिन आना, 4 दिन की छुट्टी लेके, तो उसका मज़ा नहीं आता था. अभी अपने घर पे हैं, मजे से हैं. पिछले 3 साल से घर पे हूँ. ग्रेट. और आपको लगा कि आपने वो डिसीजन सही लिया? बिल्कुल सर, राइट डिसीजन. ठीक है. इतना ध्यान रखना ना मैंने कहा कि यही ना जी डॉग नो डेली टाइम बंदे पे ना कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. एक और क्वेश्चन था कि बहुत सारे सस्पेंस है इस ब्रीड के बारे में. बिल्कुल. थोड़ा सा वो क्लियर कीजिए कि ये कौन कौन से साइज में होती है और उसको क्या नाम दिया देते हैं या कहा जाता है. बेसिकली से देखिए टॉय पॉम जो है तकरीबन बॉक्स साइज में आता है. एक गिट चौड़ाई है और उसका हाफ जो है वो उसकी चौड़ाई आएगी, एक गिट लंबाई आएगी. और टॉय पॉम अलग नज़र आता है. ये टॉय कल्चर है, इसका फादर टॉय था, मदर कल्चर थी. तो ये 90% टॉय में आ गई है. शिज्जू की मेरी मेन ब्रीडिंग है. शिज्जू के अंदर बेसिकली आपको डॉग की फेस क्वालिटी चेक करनी है, हेड चेक करना है. हेड अगर नारियल की तरह है, फेस पंच है, तो आपका शिज्जू है. अगर हेड आपका फ्लैट में आ गया, मजल थोड़ा बाहर निकल आया, तो वो लासा मिक्स हो गया किसी चीज़ से भी. सर एक तो हमें डेमो दीजिए कि अगर मैं न्यू फर्स्ट टाइमर हूँ और मेरे को लासा एप्सो मिक्स नहीं प्योर शिज्जू लेना है, तो कैसे मैं जज करूँगा 30, 40 या 50 दिन के बच्चे को? सर ये बच्चा 45 दिन का है. ठीक है. आप इसकी फेस क्वालिटी देखिए, मैं आपको साइड पोज दिखा रहा हूँ बच्चे का. आप हेड से नोज मैच कीजिए. फ्रेंड ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये लाइन जो है. ओके, ये देखिए. जब डॉग बड़ा हो जाता है तो नॉर्मली मेरे हिसाब से जब हम नोज़ के ऊपर हाथ रखते हैं, मेरे थंब के अंदर नोज आना चाहिए थोड़ा पार्ट, पूरा बाहर नहीं नोज जाना चाहिए. वो क्वालिटी में फ़र्क है. दूसरा हेड, हेड इसका नारियल की तरह है, उभरा हुआ है, फ्लैट नहीं है. आसाम हेड फ्लैट आता है, बड़े हेड होते हैं. तो जब आपका शिज्जू का, अगर शिज्जू लासा मिक्स लेते हो, आपको 6-7 महीने बाद पता चल जाएगा. एक उसका वेट ज़्यादा होगा, बॉडी साइज ज़्यादा होगा. इसका मैक्सिमम बॉडी वेट शिज्जू मेरे घर में जितनी ब्रीडिंग है मैक्सिमम बॉडी वेट 6.5 किलो है. और फीमेल मेरी 2 का है, 3.5 किलो है अडल्ट फीमेल्स. ये उसका बच्चा है 3.5 किलो वाली. ठीक है. और जैसे अभी आपने कुछ समय पहले कहा कि अगर कोई किसी कारणवश जैसे ये सर भी जॉब छोड़कर इसी लाइन में है, इनके साथ हैं, तो अगर स्मॉल ब्रीड से स्टार्ट करें, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि फर्स्ट टाइमर को कौन सी ब्रीड आसान रहेगी संभालना? बालों की दिक्कत तो नहीं आएगी अगर आप इस ब्रीड या इस ब्रीड में बात कर रहे हो? नहीं सर, अगर फर्स्ट टाइम आप डॉग रख रहे हो तो सबसे पहले आपको शॉर्ट हेयर में लेना पड़ेगा. लाइक पग ले लिया, लैब्राडोर ले लिया,
बीगल के बारे में क्या विचार है? बीगल बेस्ट ब्रीड है लेकिन अग्रेसिव है, नॉटी है, नॉट अग्रेसिव, इट्स अ नॉटी ब्रीड और बहुत एक्टिव है, थोड़ा कंट्रोल करना उसको, थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर आप उसको डील कर लो तो सबसे अच्छी ब्रीड है। रफ एंड टफ फ्रेंच बुलडॉग, रफ एंड टफ ब्रीड है, बीमार नहीं पड़ते। मेरे दो फ्रेंच बुलडॉग हैं और टचवुड की आज तक कभी बीमार नहीं हुए, भगवान करे, 3.5 साल के हो गए हैं और बेस्ट है। तो सर आपसे बहुत अच्छा लगा मिकेल, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजन शर्मा है। कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 7009101229। और आप लोकेशन प्रॉपर? अमृतसर जॉन पेटवर्ड के नाम से एक शॉप है मेरी और एक शिवजी लवर के नाम से, दो शॉप्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई जॉब नहीं है या कोई आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत है, तो जैसे एक बाहर भी एक फ्रेंड थे हमारे डॉग सेल करते, उनका पैर नहीं है लेकिन वो फिर भी अपना काम मेहनत कर रहे हैं, तो आप डोंट गिव अप। मेहनत आप किसी भी फील्ड में रहो, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा इनको है कि इनको अपने बच्चों से ज़रा प्यार से रखना पड़ता है, ज़रा केयर देनी पड़ती है, तभी ये आप इस काम को कर सकते हो। और जब एंड में ये आपको ना गोल्ड जैसी चमचम चमाती ट्रॉफी मिलती है तो दिल खुश हो जाता है, सारी मेहनत की आउटपुट मिल जाती है। कहाँ से आए सर आप? नमस्कार, तो लोकल ही। कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? हस्की है, जर्मन शेफर्ड है, शिह ट्ज़ू है। ठीक है, आजकल शिह ट्ज़ू की मार्केट कैसी चल रही है? बहुत है। और आपके पास शिह ट्ज़ू में कहाँ से लेकर कहाँ तक प्राइस है? जो मेरे पास 40,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्राइस तो मार्किंग के ऊपर ही डिपेंड होगा ना। नहीं, अब जो अच्छी क्वालिटी है वो यही रेट में, लासा मिक्स वगैरह वही सस्ते हैं। आइए कुछ हो जाता है सर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर सर? 9653190063। एक और सर आपसे एक एडवाइस लेनी है, कोविड के कारण बहुत सारी लोगों की जॉब्स गई और बहुत सारे लोग अभी ब्रीडिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सही आइडिया टाइम है इसमें आने का? बहुत बढ़िया, तो आपका क्या आइडिया है किस ब्रीड से वो स्टार्ट करें? मैं तो करूँगा शिह ट्ज़ू वगैरह रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, छोटी ब्रीड से। हाँ, क्योंकि इनका खर्चा वगैरह कुछ नहीं है और बहुत सुंदर बच्चे हैं। तो शिह ट्ज़ू या कोई भी छोटी ब्रीड टॉय ब्रीड से स्टार्ट करें, इसकी क्वालिटी देख के लें, अंडर नोज हो बिल्कुल उतना ही अच्छा बच्चा होता है। सर एक थोड़ी सी हमें हेल्प कीजिए, शिह ट्ज़ू की अगर प्योरिटी और क्वालिटी देखनी हो तो इस एज में मोटा मोटी कहाँ से कोई पर्सन चेक करें? देखो ऐसे ही बच्चा रख के देखो, इसकी क्वालिटी जो नोज है बिल्कुल अंदर। तो फ्रेंड आप समझ गए, ये जो लगभग यहाँ से बालों के बराबर इसका नोज होगा, बाहर को नहीं आएगा, मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए दोनों तरफ आंखों को। तो ये एक पहला साइन है कि ये प्योर है। और इसकी फॉर्म देख लो, एक महीने का है, कितनी ज़्यादा फॉर्म। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप शिह ट्ज़ू ले रहे हो तो बी केयरफुल, और ये थोड़ी थोड़ी टिप्स जो सर ने आपको दिए हैं कि क्वालिटी कैसे चेक करनी है, तो थैंक यू सर। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों पड़ोसियों पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। Perfect.